अंदर साथ नो प्लीज जैन खड़े हो जाओ ना अंडरस्टैंड दी पोजीशन अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी जिस समय घटना हुई थी सारे देश में इसकी चर्चा हुई थी और उस चर्चा में अधिकांश लोगों ने यह कहा था कि सीबीआई अपनी सीमा के बाहर गई है। ये भी बात सही है कि उस समय सेना के लोगों ने अधिकारियों ने उनकी मांग को मानना स्वीकार कर दिया था। यह भी सही है कि जो कहा गया कि पटना हाई कोर्ट ने उनको कोई ऐसा निर्देश दिया था कि सेना बुलाई जाए वो बुला सकते हैं, इसको भी सेना के लोगों ने स्वीकार किया था। ऐसी परिस्थिति में ये स्पष्ट था कि सीबीआई के एक व्यक्ति उन्होंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया। मैं नहीं जानता कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय क्या है, उस निर्णय के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये प्रश्न ज्यादा मौलिक है जिसका जिक्र अभी सोमनाथ चटर्जी जी ने किया। अगर पुलिस के लोग सेना बुलाने का काम करने लगेंगे तो इस देश का सारा ढांचा ही टूट जाएगा। सेना बुलाने के लिए बहुत से तरीके हैं। वहां पर अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री नहीं बुला रहे थे तो वहां राज्यपाल जी हैं, यहां पर डिफेंस मिनिस्टर जी थे, यहां पर होम मिनिस्ट्री थी, बहुत से साधन थे जिनके जरिए उस काम को किया जा सकता था। लेकिन किसी पर पुलिस अधिकारी का सीधे सेना के पास पहुंचना एक अक्षम्य अपराध है। मैं नहीं जानता किस आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि उनको इस बात के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करूंगा और आपके जरिए इस सरकार से निवेदन करूंगा कि कुछ लोगों के प्रति हमारी जो भी भावना हो उस भावना को देखते हुए हम संविधान पर कुठाराघात न होने दें और सभी अधिकारियों को और सभी लोगों को, चाहे वो राजनीतिक का नेता हों चाहे अधिकारी हों, उनको संविधान की सीमाओं के अंदर काम करने के लिए बाध्य करें। और अगर ऐसी कोई विकृति आई है तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय का निर्णय लेना आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि हमारे मंत्री हमारे मित्र श्री खुराना साहब इस संबंध में वो जरा छोटी बातों से ऊपर उठ करके एक मौलिक सवाल के ऊपर बात करें। सचिवाल जी